अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी आयशा बहुत ही मुश्किल में फंसी हुई है। आज उसको बहुत मुश्किल काम खुद करना पड़ रहा है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि आज वो क्या कर रही है। It's moving. Let's come on here a little. It's okay. You can do it. No, roll out. Pull down. Okay. You can get the arm out. जब मैं ये निकल जाएगा माम, मैं टूथ अंदर मेरे पिलो पे रखूंगी रात को, फिर मामा मुझे पैसे देंगी। ओके, प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। अंदर आना चाहिए। ओह माय गॉड। Hold down. It's almost there. I almost pulled it. It's coming out. It's almost in your hand. What? It's almost coming in your hand. So come on. Let me see. Blood. Like a bunny. Stop it! Okay. No, I like the character from Alice in Wonderland, the bunny. Okay, let's go. The bunny's taking. Oh! You can do it. I think I can. Okay, let me open it. Oh my god, look at all that blood. It's okay. It's not blood. It's just a little bit. Come on. You can do it. Pull down. It keeps hurting. I don't know. It's not hurting. Let me see. Pull down. You can do it. I did it! Oh my god. Let me see. Where is the tube? That's all. You did it. You're a big girl. Can you see? Can I see your mouth? Let me see. Okay, rinse your mouth now. Was it painful? A little bit. Not really, yeah. But it was painful. Don't really try it. Uh-huh. Okay, don't keep touching me with your tongue, okay? Okay. Leave it alone. I want to show my teeth. We have so much coin. This is my teeth. What do you do with it? So I'm going to put it under my bed. Then mama will give me a kiss. Under your bed or under your pillow? Under my pillow, I forgot. And then mama will give me a kiss. Maybe one, maybe two, maybe three, maybe four. And then I get to buy whatever I want after coronavirus is all done. And my tooth turned out like this blood came, but I was not scared. Last time I tried this with this teeth, but it didn't even hurt because my nano pulled it out, this one. But this one I pulled out all by myself. You did a good job. Thank you. So this is my daughter's story. It's about how she pulled out her teeth. Mostly, मोस्टली जो पहले इसके दो दांत निकले हैं वो मेरी अम्मी ने ही निकाले थे, लेकिन इस दफा ये खुद करना चाह रही थी। तो यहाँ पर अभी हम तैयारी करने लगे हैं कहीं जाने की। मैंने अपनी बेटी के कपड़े निकाल दिए हैं, उनको मैं शावर दूंगी, वो डर्टी होंगी और उसके बाद हम लोगों ने जाना है। मेरी दोनों बेटियों को, आयशा और लीजा को, मोस्टली ऐसे कपड़े पहनने का शौक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कभी कभी ये जो है दोनों अंगेज हो जाती हैं एक दूसरे के। वही जो बचपन में
सब बहन भाइयों का झगड़ा होता है, इन दोनों का भी जरूर होता है वही, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 80s में टेम्परेचर था, तो मैंने इनके कॉटन के ड्रेसेस निकाले हैं, साथ वाइट कैप्रीज निकाली हैं दोनों की एक जैसी, और यहाँ पर साथ ही इन दोनों ने अपना अपना डिओड्रेंट और परफ्यूम निकाला है। ये डिओड्रेंट तो यूज़ करती हैं और परफ्यूम भी थोड़ा बहुत लगाती हैं, जब मोस्टली ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं। साथ इनका बेबी लोशन है, और क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी, तो मैंने इनका बेबी सनस्क्रीन भी निकाला है साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के टॉवल जो हैं वो भी प्रिंसेस के हैं, एक प्रिंसेस का है और एक सिंड्रेला का है। अभी यहाँ पर मैं इन दोनों को शावर दूंगी और खुद रेडी होंगी और फिर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, गर्मी थी, धूप थी तेज, लेकिन साथ थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, तो आप देख सकते हैं कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। मेरी बेटियाँ दोनों रेडी हो चुकी हैं, मैं भी रेडी हूँ, मैं यहाँ पर अभी लॉक लगा रही थी और ये दोनों रेडी टू गो थी। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरी सिस्टर का मैसेज आया था कि उसने खाना बनाया हुआ है, रेडी किया हुआ है, बिरयानी और कबाब वगैरह, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों जो हम लोग अम्मी की तरफ इकट्ठे होंगे। आज का दिन जो यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है वो है 4th of July, इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं इस दिन को। सारी फैमिलीज जो हैं गैदरिंग हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी लग रहे हैं लोग, थोड़े फासले पर बैठ रहे हैं। ये हम लोग के नेबर्स में हैं, इन लोगों ने भी, दोनों नेबर्स ने मिल के जो है वो कैंप आउट किया था अपनी रोड पर ही, और रात को थोड़ा बहुत उन्होंने फायर वर्क किया था, लेकिन क्योंकि हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे थे तो हम लोग इधर नहीं थे, तो मैं वो वीडियो नहीं बना सकी कि उन्होंने रात को क्या किया था, क्योंकि हम लोग उधर थे। आज मैं अपने ब्लॉग में कोई खाने की वीडियो तो नहीं ऐड कर रही, मोस्टली क्योंकि हम लोग बाहर ही रहे थे, सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया था घर पे और उसके बाद हम लोग रेडी होकर जा रहे थे अम्मी की तरफ, तो खाने की कोई वीडियो नहीं है इसमें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोई अच्छी सी चीज़ तैयार करूँगी और फिर वो मैं ब्लॉग जो है आप लोगों को दिखाऊँगी। देखते हैं कि मैं खाने में क्या बनाती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके अलावा अभी यहाँ पर मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि उनको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर हम लोग अपनी अम्मी की तरफ पहुँच चुके हैं, मेरी सिस्टर और उसके बच्चे ऑलरेडी इधर आए हुए थे। खाना खाने के बाद यहाँ पर चारों जो हैं वो प्ले टाइम कर रहे हैं, इन लोगों को वेट था कि कब शाम होगी और कब ये लोग फायरवर्क देखेंगे। मेरे अगले नेक्स्ट वीडियोस में बहुत कुछ आने वाला है नया, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है कि कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो करूँगी और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे कौन सी वीडियो और ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, ताकि मैं उस तरह से या उससे रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर ब्लॉग्स बनाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ था, स्टिल रोशनी थी 8:15 बजे पे, तो फायर वर्क्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे। मैं और मेरे बच्चे इनको इन्जॉय करते हैं और आप भी इन्जॉय करें। अमेरिका में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 4th of July को, वो इन्होंने शाम को फायरवर्क्स ही करने होते हैं, दिन में ये सारी फैमिलीज मोस्टली इकट्ठी होती हैं, बारबेक्यू करते हैं, बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ पार्क्स में जो है वो कैंपिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से ज़्यादातर सिटी वालों की तरफ से और पार्क्स में फायरवर्क्स नहीं अलाउड था, तो नहीं हो रहे थे फायरवर्क्स, इसलिए मोस्टली लोगों ने घरों में, जिस सिटीज़ में अलाउड था,
वहाँ पर फायर कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस डे को। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ काइंडली हिट द लाइक बटन, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।